हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल विद केमिस्ट्री अगेन। आज भी हम लोग 11th क्लास का जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसका अगला पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपके साथ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस किया था, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि भाई प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। देखिए, उसका जो श्रेय जाता है जिसने उसको डिस्कवर किया था प्रोटॉन्स को, वो है गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक, और उन्होंने इसको डिस्कवर किया था इन 1886 के अंदर। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, देखिए डायग्राम देखिए जरा एक बारी। ये डायग्राम आपको बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहा होगा जैसे कि विलियम ब्रुक्स ने डिस्कस किया था। ब्रुक्स ट्यूब भी ले रखी है, दोबारा से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही किया था इन्होंने, लेकिन थोड़ा सा बदले हुए रूप। इसमें इन्होंने क्या किया था, पिछले केस में जो उन्होंने किया था, उन्होंने कैथोड को लिया था परफोरेटेड, और इस नहीं एनोड को लिया था परफोरेटेड, तब कैथोड रेज पास हुई थी एनोड के होल्स में से। इस बार इसने क्या किया था, कैथोड ली परफोरेटेड। तो ये बड़ा अचंभित रह गया कुछ चीजों को देख, उसने क्या देखा कि भाई कुछ रेज निकल के आ रही है जो परफोरेटेड कैथोड था इसके होल में से निकल के जा रही थी, और जो परफोरेटेड कैथोड के पीछे जो डिस्चार्ज की वाल थी जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई थी, वहां पे चमक पैदा हो रही थी। वहां पे चमक पैदा होने का मतलब साफ था कि देखो कैथोड तो इधर को जाएगा नहीं रेज, क्योंकि कैथोड को इधर कैथोड से निकलने वाले रेज को अट्रैक्ट कौन करेगा, एनोड करेगा, पॉजिटिव चार्ज है भाई। ठीक है, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज योर नेगेटिव चार्ज, ये वाला। तो इसका मतलब साफ था कि कोई ना कोई रेज एनोड की तरफ से निकल के आ रही है। लेकिन देखिए एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये रेज एनोड से निकल के नहीं आ रही, एनोड की तरफ से रिलीज हो रही है। ठीक है जी, तो एनोड की तरफ से कुछ रेज आ रही है जिनको मैंने रेड कलर से आपको शो करके दिखाया हुआ है। ये रेज परफोरेटेड कैथोड के होल्स में निकल के जा रही थी, इसने पहले इनको नाम देखा कैनाल रेज, क्लियर, क्योंकि एनोड की तरफ से आ रही है, फिर एनोड रेज भी नाम दे देंगे इनको। ठीक है, अब तो इस तरीके से डायग्राम आपका देखिए, ब्लू कलर की जो रेज है दे आर कैथोड रेज, और जो रेड कलर की रेज आपको दिखाई दे रही है साफ साफ यहाँ पे, दे आर एनोड रेज। बाकी प्रोसेसर वही था, इसके अंदर कोई गैस नहीं हुई थी एट लो प्रेशर। ठीक है जी, तो बाद में इसको नाम दे दिया गया कैनाल रेज एनोड रेज, जैसे मैंने लिखा भी है ना डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एनोड रेज, इन कैनाल रेज में से प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। उसको डिस्कवरी को पढ़ने से पहले हम लोग इन एनोड रेज की या जो आपकी एनोड रेज है कैनाल रेज है इनकी उस प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे गोल्डस्टीन ने बताया लोगों को। ठीक है जी, हियर आई हैव रिटन डाउन सिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रेज। पहली प्रॉपर्टी वैसी है जैसा कैथोड रेज सीधी लाइन में चलती थी, दे आर जो ट्रेवलिंग द स्ट्रेट लाइन। दूसरी प्रॉपर्टी, जब इन रेज के पाथ में कोई आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाया गया, तो वही देखा गया कि भाई सपोज मैं लगा के दिखाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई फील्ड लगाई हुई है, इसका चार्ज पॉजिटिव है इस इलेक्ट्रोड का, और इस इलेक्ट्रोड का चार्ज जो है वो नेगेटिव है, तो ये इनका जो डिफ्लेक्शन था वो नीचे की साइड हो गया था, इससे साबित होता है कि भाई इनका चार्ज कैसा पॉजिटिव है। जैसे मैं लिखा देखिए, दे आल्सो गेट डिफ्लेक्टेड कब, व्हेन प्लेस्ड अंडर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड showing that they are positively charged। अगला प्रॉपर्टी जो इनकी बताई गई थी, ये भी मटेरियल पार्टिकल से मिलके बने हुए थे, इनका जो मटेरियल पार्टिकल था वो इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले थोड़ा भारी था, हैवियर था। अगला है, ये बता दिया मैंने आपको कि they are bearing positive charge। अब ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्रोटॉन्स की डिस्कवरी को लेके। पहला पॉइंट, जब इनका इलेक्ट्रॉन अपॉन मास रेशियो फाइंड आउट किया गया अलग अलग गैसेस को रख करके लो प्रेशर, तो ये सबका अलग अलग आया। ये सबका अलग अलग क्यों आया, उसका एक रीजन है। रीजन ये था कि भाई इनका जो मास है ना, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये जो रेज है एनोड से नहीं निकलती है, बल्कि एनोड और कैथोड के बीच में डेवलप होती है। ठीक है, बीच में डेवलप कैसे होती है बताता हूँ। सपोज कीजिए अंदर कोई गैस है, गैस का सिंबल एम लिख दिया, जैसे मैंने कोई मॉलिक्यूल होगा गैस का, ठीक है, यह यहाँ लिख देते हैं कोई गैस है ये इलेक्ट्रोड्स के बीच में एम। अब यहाँ से जो कैथोड रेज आ रही है आपकी, ये ब्लू रंग वाली, जब ये इसके पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से, सबको पता है इलेक्ट्रॉन जब इससे टकराया तो इस इलेक्ट्रॉन ने
इसमें से इलेक्ट्रॉन ही निकाला, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर बन गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, और प्लस में एम के ऊपर प्लस। ये जो पार्टिकल्स हैं जो मैंने सर्कल किए एम प्लस, ये रेज के रूप में ट्रेवल होते हैं, होल्स को पास करते हैं, फिर वहां जाके टकराते हैं, बोम्बार्डमेंट वहां करते हैं। क्लियर हो गया? अब क्योंकि ये कोई गैस का जो पार्टिकल था, एक पार्टिकल, अब इसका मास अलग है। अब मान लीजिए कोई दूसरी गैस है उसका अलग मास होगा, तीसरी गैस है उसका अलग मास होगा, कोई और गैस ले रहे उसका मास अलग होगा। इसलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है चार्ज अपॉन मास रेशियो फॉर दिस पार्टिकल्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस टेकन इन द ट्यूब, बिकॉज दिस रेशियो डिपेंड्स ऑन द मास। अब हर गैस के मॉलिक्यूल्स का मास अलग अलग होता है, डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर मास, इस वजह से ये रेशियो अलग आएगा। अब यहां देखते हैं चार्ज की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब चार्ज भी गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, चार्ज भी गैस के नेचर पे डिपेंड करता है कि गैस कौन सी ले रखी है। लेकिन सभी गैसेस का जो भी चार्ज निकल के आया था, उस चार्ज की खास बात निकल के आई, खास बात ये निकल के आई कि द चार्ज ऑन दिस पार्टिकल्स इज फाउंड टू बी होल नंबर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इसका कहने का मतलब था कि अगर यहाँ पे आप सबसे लाइटेस्ट गैस लेते हैं, हाइड्रोजन गैस अगर आप लेते हैं, अगर यहाँ पे कोई मैं गैस ले रहा हूँ हाइड्रोजन गैस, सपोज कीजिए H2 गैस एट वेरी लो प्रेशर, उस केस में जो EM रेशियो निकल के आया वो निकल के आया 9.58 मल्टीप्लाई 10^4 कूलम्ब पर ग्राम, और इसका चार्ज निकल के आया 1.6 मल्टीप्लाई 10^-19 कूलम्ब, विच इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस साइन का फर्क था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या कि नेगेटिव लगाया था पिछले एक्सपेरिमेंट में, इसमें लगाएंगे पॉजिटिव, वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं है। और मास इसका निकल के आया 1.6 मल्टीप्लाई 10^-24 ग्राम, या यू कैन से 1.67 मल्टीप्लाई 10^-27 केजी। ये जो मास होता है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? अगर तो इस तरीके से उन्होंने, अब अगर मैं हाइड्रोजन को यहाँ पे पुट करता हूँ, एटम हाइड्रोजन मैंने पुट किया सपोज कीजिए देखिए H, तो क्या बनेगा यहाँ पे H+, इसको हम प्रोटोन कह देते हैं। इस तरीके से प्रोटोन की डिस्कवरी हुई बाय स्टडिंग द एनोड रेज। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आऊंगा कैडविक ने कैसे न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। थैंक यू वेरी मच।